ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित पल्लभ बल्लरी के राधा पदांक विलस मधुर स्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बलिके राधा विहार विपिने रमतांग मनो में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हाथ ले बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। जोर करी बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम है खैरा और खदीरी वन भी है। कृष्ण जहां जहां पर जैसे जैसे लीला की, कहते बज्रनाभ ने सांडिल्य ऋषि को लेकर के वो स्थान का भी ठीक ठीक वैसे ही नाम रखे। अभी प्रश्न है ये स्थान का नाम खदीरी वन खैरा क्यों नाम पड़ा, इसका पीछे तीन चार कारण बताए। पहला कारण बताए, कृष्ण यहीं पर जब सखाओं को साथ में गैया चराया कर रहे चरा रहे थे, कंस का प्रेरित द्वारा ये बकासुर ने आ गया और उसने बहुत बड़ा बगुला का रूप लेकर के बैठा हुआ था। इतने में कृष्ण जब सखाओं को साथ में गोचारण करते करते यहीं पर आए, ऐसे लग रहा था मानो इंद्र ने किसी पहाड़ का पंखों को काट करके गिरा दिया, इतनी विशाल रूप था। जब कृष्ण सामने आए, बकासुर ने हठात उन्होंने भागते हुए गया और कृष्ण को उन्होंने खा लिया। इसलिए ये एक गांव का नाम है खायोरी, मतलब सखा ने कहा भैया ये बकासुर तो हमारे कन्या को खा गए और ये खा गए और ये, इसलिए नाम भी खायोरी नाम पड़ा। लेकिन कृष्ण के जब उन्होंने अंदर में ले लिया, कृष्ण ने जैसे किसी लोहे को गर्म करते हैं, कृष्ण अंदर में जाकर के अपना शरीर को ऐसे गर्म किया, उसने तो भगवान को उल्टी कर दिया। तब यह हमारे टीकाकार कहते हैं यही भक्त और अभक्तों के अंदर में यही फर्क है। भक्त लोग क्या चाहते हैं, भगवान को अपना हृदय में बैठा करके रखे, और भगवान के हृदय में बैठने पर कितने आनंद मिलता है, कितने सुख मिलता है। लेकिन जो अभक्त जो भगवान को दर्शन करता हुआ हृदय में लेता है, उनको क्या लगता है जैसे किसी लोहे की पिंडला को हमने अंदर में ले लिया। इतने में उन्होंने उल्टी कर दिया, उल्टी करते ही फिर बकासुर ने जब कृष्ण को फिर खाने के लिए आया, इतने में कृष्ण इसकी दोनों चोंच को पकड़ कर चीर दिया। इसलिए ये यहाँ पर एक गांव का नाम है चिल्ली है, चिल्ली नाम है। ये एक कारण है। दूसरा कारण है यहाँ पर एक कत्था, आप लोग तो पान खाए नहीं, पान को अंदर में कत्था देते हैं यहाँ पर, इसलिए इसका नाम खदीरी वन भी है। खदीरी वन मतलब जहाँ पर एक कत्था का बड़ी सुंदर सुंदर पेड़ होता था, श्री राधा रानी श्याम सुंदर के लिए बड़े सुंदर पान की बिड़िया बना करके उसमें कत्था को दे करके जब पान खाओ ना, एकदम अपने आप होठ लाल हो जाता है, मुंह भी लाल हो जाती है। इसलिए हाँ खैरी, इसलिए 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 एक नाम है। तीसरा कारण है यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर खेजुर का फल होता था। कृष्ण जब सखाओं के साथ में गैया चराने के लिए आते थे, वो खेजुर का फल भी खाया करते थे, इसलिए भी इस स्थान का नाम है खैरा बा खदीरा बन। और कृष्ण ने बकासुर को खदेड़ा, खदेड़ा मतलब तो खदड़ना करके भगा करके ले जाना, इसलिए कृष्ण बकासुर को भगाते हुए
यहीं पर ला करके उन्होंने मारा था, इसलिए ये वन का नाम भी खदीर वन। बहुत सारे कारणों से ये स्थान का नाम खदीरा वन, खैरा, खायोरी, अलग अलग नाम से इसको बताए जाते हैं। इसलिए कृष्ण ने जो बकासुर को वध किया, इसका तात्पर्य क्या है? आप लोग बगुला देखे होंगे, देखेंगे नहीं बगुला? एक पैर पकड़ा, बगुला का कौन कौन देखा है? हाथ उठा तो बगुला किसी ने किसी ने सब देखे हो आप, आधा उठा लो और आधा उठा लो ना, हाँ बंगाल बक बक करा देखे चो हो बांग्ला गाय बांग्ला मायरा तो सवाई बग तो सवाई देखे थे आपने देखे मैंने जो कहना बगुला बैठ रहता है ना वो एक प्यार से बैठा रहता है जैसे कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है। जब राम लक्ष्मण जा रहे थे इतने में राम ने कहा लक्ष्मण देखो ये बगुला को, ये कितने बड़े ऋषि है, जैसे एक प्यार के ऊपर में खड़ा हुआ, इधर थोड़ा इधर उधर वो डोलता नहीं। बोले क्यों नहीं डोलता है? बोले मछली को पता नहीं चल पड़े यहाँ पर कोई बगुला, सामने जो मछली आए ना छट पकड़ करके वो खा ले, मतलब ये कपट है। इसलिए भगवान राम ने कहा देखो ये बगुला कितने बड़े तपस्वी, लक्ष्मण तो गुरुजी है, गुरुजी मतलब क्या है? बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकारस्तस्य निरोधको, हृदय से जो अज्ञान को दूर करने वाले। इतने में लक्ष्मण ने कहा प्रभु जी ये बगुला कितना बड़ा तपस्या है ना, तपस्वी, आप मछली को पूछ लो ये सारे मछली बता देंगे ये कितना बड़ा तपस्वी है, हाँ, मतलब ये कपट है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का कि कीर्तन है बोले अंतर बाहिर सम व्यवहार अमानी मान दहब। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बाहर और भीतर हमें एक होनी चाहिए। कृष्ण ये बंसुरी को क्यों बजाते हैं? कारण है बंसुरी की जो अंदर ये पोला है खाली है, और कृष्ण जैसे चाहते हैं ये बंसुरी भी ठीक वैसे बजती है। इसलिए मतलब क्यों बंसी को, इसलिए राधा रानी कभी कभी कहती ना अगली जीवन में मैं और राधा ही नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो मैं बंसुरी बन करके आऊंगी। बोले कारण किया? बोले देखो कृष्ण ये बंसुरी को कभी छोड़ते नहीं, कभी हाथ में, कभी कमरे में, कभी अधर में, इसको कभी छोड़ती नहीं। कृष्ण गोप हम गोपी, कृष्ण की अधरामृत में हमारी ही अधिकार है, लेकिन ये सारे हमारे अधिकार को, ये सब के सब अधिकार को ये दखल कर रहा है। और कृष्ण का होठ कितने बिंब फल जैसे कितने सुंदर है, लेकिन ये बंसुरी सारे कृष्ण की अधर को चूस चूस करके देखो कृष्ण का अधर नील वर्ण बन गया। इसलिए ये बंसुरी की इतने सौभाग्य, मतलब क्या उसका हृदय खाली हृदय है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण बकासुर को मार करके उन्होंने कपटता को उन्होंने दूर किया है। यही पर श्री नरोत्तम दास, श्री लोकनाथ दास गोस्वामी, अभी श्री हमारे उत्तम प्रभु भजन गा रहे थे ना श्री लोकनाथ दास गोस्वामी के ऊपर में, इसलिए श्री लोकनाथ दास गोस्वामी उनका जो शिष्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? कहते कृष्ण प्रेम की ये अवतार, महाप्रभु का प्रेमावतार है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये संसार छोड़ करके जा रहे थे उसी समय में एक नदी जिसका नाम था पद्मा नदी, बोले पद्मा तेरे पास में मैं अपना प्रेम को रख करके जा रहा हूँ, भविष्यत में एक बहुत बड़ा एक संत आएगा उसको तुम ये प्रेम दे देना। बोले प्रभु हम कैसे समझेंगे ये वही संत हैं? बोले वो इतने बड़े संत हैं उनकी चरण स्पर्श से ही तुम्हारी जो पानी हृदय अपनी आप उफनने लग जाएगा, अपनी आप उफनने लग जाएगा, तुम समझना वही यही महापुरुष है। कहते वो महापुरुष कौन है? श्री नरोत्तम दास ठाकुर है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर को महाप्रभु का प्रेमावतार बताया गया। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते थे बोले भैया किस कृष्ण प्रेमी किसको चाहिए, हाथ उठाओ सबके सब, बताओ कृष्ण प्रेमी किसको चाहिए, सबके सब हाथ उठाए। बोले अगर जीवन में कृष्ण प्रेम चाहते हो एक आना में तुम्हें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। बोले कैसे? बोले श्री नरोत्तम दास ठाकुर का एक कीर्तन का ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका, जो प्रेम भक्ति की चंद्रिका स्वरूप वो ग्रंथ है। बोले तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल प्रेम चंद्रिका को केवल उसमें पढ़ा करो,
वो पढ़ने पर ही अपने आप तुम्हारे हृदय में ये प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसलिए जो नरोत्तम दास ठाकुर राजा घर के बेटे थे, जब वो घर छोड़ करके श्री महाप्रभु के चरण में आ रहे थे, उसी समय में उन्होंने बीच बीच में श्रवण कर रहे थे, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अंतर ध्यान हो गए, एक एक गोस्वामी वर्ग के अंतर ध्यान हो रहे हैं। जब उन्होंने एक एक का अंतर ध्यान सुन रहे थे, श्री नरोत्तम दास ठाकुर विरह में उन्होंने इस भजन को उन्होंने गाया, जैसे गौरांग बोली ते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोले देना याने बाबे नीरा आर कबे नीताई चांदे करुणा है इनकी सारे उनकी एक साधक से लेकर के सिद्धावस्था तक साधकों को कैसे उनकी भावना होनी चाहिए, कहती है नरोत्तम दास ठाकुर जी की कीर्तन केवल पढ़ो है साधक के लिए क्या बताए, हरी हरी बिफले जनम गोवाइनो। इसलिए उनकी भजन में कैसे ये जीवन हमारे वृथा जा रहे हैं, पाया मानुष्य जन्म तनु पाया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया जानिया सुनिया विष खाई, मतलब ये मानव शरीर पा करके भगवत भक्ति नहीं करते, ये मानव जान बुझ कर हमने ये जहर को पान कर रहे हैं। ये साधक और सिद्ध अवस्था के लिए कब में राधा रानी की चरण की नुपुर बन करके, जब राधा रानी चलेगी चरण की नुपुर का जब छमछम आवाज होगी, जिसे आवाज को कृष्ण सुन करके बड़े खुश होंगे। सभी के लिए उन्होंने, हम जो रोज रोज भजन गाते हैं ना, सब इनका ही भजन है, हैं कहते ना राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरारी इनका ही भजन है, कृप मंजरी पद इनका ही भजन है, सारे भजन इनकी भजन को हम रोज रोज इसको गाते हैं, रोज गाते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा बंद मोई सावधान, इनकी भजन है, सारे भजन इनकी हम लोग रोज गाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे केवल इनकी भजन ग्रंथ को खरीदी करो, रोज इनकी केवल भजन पढ़ो, इसी बहित में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जब उन्होंने वृंदावन धाम में आए, अभी जीवन में गुरु करना करनी चाहिए, क्योंकि जब तक जीव गुरु जी की शरण नहीं लेता है ना, तब तक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं होते हैं। कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे गुरु जी के आश्रय लेंगे, गुरु जी बोले ये करो अगर नहीं कर पाएंगे तो अपराध होगा, बोले नहीं भैया, सचमुच से जो भगवत प्राप्ति है ना, ये जब तक किसी परंपरा को स्वीकार नहीं करते हो तब तक भगवत भक्ति नहीं होगा। भक्ति ऐसे चीज नहीं जो अपनी मन में जो आए वो सो करना शुरू कर दो, नहीं भक्ति ये नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं ज शास्त्र विधि मुत्सुर्ज वर्तते कामचारत न सह सिद्धि मापनोति न पराम गति। शास्त्र में जो मैंने विधि विधान दिया है, अगर ये विधि विधान को छोड़ करके अपना मनमानी अगर कोई भजन करे, कभी जिंदगी में सिद्धि हो ही नहीं सकती है, कभी परागति को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये गुरु परंपरा माध्यम से ही वो जो भगवत भक्ति, भगवान जो ब्रह्मा जी को जो दिव्य ज्ञान प्रदान की, ज्ञानों में परम गृहम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यंच तदगंच गृहाणम गदितम मैया, वो जो दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा नारद नारद व्यास, फिर उन्होंने मध्वाचार्य लक्ष्मीपति तीर्थ महाप्रभु, फिर श्री ईश्वर पुरीपा, धीरे धीरे करते करते ही जगत में ये भक्ति धरा आई। इसलिए भक्ति अपना मनमानी में नहीं करनी चाहिए, भक्ति का नियम है किसी शुद्ध वैष्णव परंपरा में ही हमें ये दीक्षा मंत्र लेनी चाहिए। इसलिए कहते हैं दीक्षा मंत्र बिना जे न सिद्धि न पराम गति, जब तक कोई दीक्षा मंत्र ग्रहण नहीं करते हैं सिद्धि परागति कभी प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहां प्रेमावतार कृष्ण लीला में मंजरी है, लेकिन वो सोच रहे हैं जीवन में हमें गुरु करना करनी चाहिए, लेकिन एक नियम है गुरु कर जान के और पानी पियो
छान के गुरु जान करके करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने वृंदावन में ढूंढे क्या यहाँ पर कोई ऐसे सचमुच से भजन परायण कोई संत है कि नहीं। उन्होंने पता चला यही खदरी वन में एक बहुत बड़े महापुरुष जिनका नाम श्री लोकनाथ दास गोस्वामी कृष्ण लीला में ये मंजूलाली ये सखी है, यहीं पर ये भजन कर रहे हैं, बड़े त्यागी बैरागी। तो उन्होंने सुन करके इनको पास में आए, उन्होंने बोले आपसे मैं दीक्षा मात्र लेना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने पहले से ही उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कभी जिंदगी में मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, क्योंकि भक्तों के अंदर में एक स्वभाव की भावना, क्या भावना, कहते एक जिस वृक्ष में जितने फल हो ना वो अपने आप नीचे झुक जाती है। इसलिए कहते कहां मैं गुरु बनने का मेरे अंदर में योग्यता कहां जो मैं शिष्य में प्रदान करूंगा। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया कभी मैं शिष्य जीवन में नहीं बनाऊंगा। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर इनको दर्शन करते हुए बोले मैं गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं को ही गुरु बनाऊंगा। लेकिन उन्होंने तुझे रिजेक्ट कर दिया, बोले मैं शिष्य बनाता नहीं। अभी वो सोच रहे हैं मैं तो हृदय में इनको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया हूँ, फिर किसी तरह से इनसे ही दीक्षा मत लेना। लेकिन लेना कैसे है, अभी इनको प्रसन्न करना पड़ेगा। बोले प्रसन्न करे तो करे कैसे, क्योंकि वो तो किसी तरह से माधुकरी ला करके खा लेते हैं और 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की भक्ति करते हैं, प्रसन्न करे तो करे कैसे। कहते सेवा को द्वारा ही भगवान किसी अगर वैष्णव को गुरुजी को किसी को संतुष्ट कैसे कर सकते हो। बोले सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं स्फुरत, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय। जड़ इंद्रिय को द्वारा प्रभु का नाम हम नहीं कर सकते हैं। जब सेवन मुखी वृत्ति तुम्हारी हृदय में होगी तब भी जा करके जीवा में ये भगवत स्फूर्ति होगा। बोले भैया सेवा करे तो क्या करे, उन्होंने ढूंढ लिया। कोई कोई आकर कहते ना गुरु जी हम क्या सेवा करे, भैया सेवा की बोलने का जरूरत नहीं। जो शिष्य होगा ना जो उत्तम सेवक है वो हृदय की भावना को समझ करके बोलने से पहले से ही वो चुन लेता है, इसलिए उनको बोलने का जरूरत नहीं। गुरुदेव क्या सेवा करे, गुरुदेव क्या सेवा करे, फिर तो सेवक नहीं, सेवक से सेवक हटा तो फिर बग रह जाएगा, फिर वो बगुला हो जाता है। इसलिए वो ढूंढ लेनी चाहिए गुरु जी की सेवा में अपने आप ढूंढ। उनने कौन सा सेवा ढूंढे, कोई कोई सेवक सोचते हैं गुरु जी की सबसे बड़ा सेवा करेंगे, हैं सबसे बड़ा गुरु जी की सेवा करेंगे, लेकिन कोई छोटा सेवा करना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कौन सा सेवा को ढूंढ लिया, बोले जब पायखाना करने जाते हैं शौच क्रिया, वो पायखाना को साफ करने का सेवा ढूंढ लिया और उसको साफ सुथरा करते हैं। नर श्री लोकनाथ दास गोस्वामी देखा मैं रोज यहाँ शौच क्रिया करता हूँ, दूसरे दिन दिखता हूँ यहाँ साफ सुथरा है। उन्होंने देखे साफ सुथरा कौन करता है, अभी सोच रहे हैं हो ना हो किसकी चरण में मैं तो अपराधी नहीं बन रहा हूँ। कारण है देखो जब कोई व्यक्ति हमारी सेवा करते है ना, वो ऐसे कोई व्यक्ति सेवा नहीं करते हैं, कुछ उसको देना पड़ता है। सेवा मतलब क्या, जब सेवा करे कुछ हमसे कुछ लेता है, अगर हम समर्थ हो फिर तो हमसे जो सेवा लेगा हम कुछ दे सकते हैं। अगर हमारे अंदर में समर्थता नहीं, अगर किसकी सेवा को ग्रहण करते है ना फिर तो भैया बहुत गड़बड़ी है। लेकिन वो तो परम संत है, बोले मैं किसकी चरण में मैं अपराधी बन रहा हूँ। एक दिन उन्होंने छुप करके देखा ये नरोत्तम दास ठाकुर राजा की बेटा वो आ करके पायखाना को हाथ से उठाकर उसको फेंक कर उसको साफ सुथरा कर रहे हैं। तब उन्होंने कर आकर हाथ पकड़ लिया, बोले तुम मेरे को अपराधी क्यों बनाते हो। बोले गुरुजी आपको मैंने अपना हृदय में गुरु रूप में बैठा लिया, आप मेरे को स्वीकार नहीं करना चाहते हो, इसलिए गुरुदेव हमें स्वीकार करो। फिर उन्होंने उनको स्वीकार उन्होंने फिर उन्होंने यहीं पर ही इन्होंने स्वीकार किया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कबे लोकनाथ मोरे संग लैया जावे, श्री रूपेर पाद पद्मी मोरे समर्पीवे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हम डायरेक्ट भगवान सेवा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हैं फिर भगवत सेवा प्राप्ति की उपाय किया है, पहले गुरु जी की शरण में आना पड़ेगा। गुरु जी की जब हम सेवा करेंगे गुरु जी हमारे हाथ को लेकर के उनको अपना गुरु जी, वो उनको गुरु जी, फिर उनकी गुरु जी, फिर रूप मंजरी लेकर के हमें श्री ललिता की सखी को पास में, फिर राधा रानी कहते ललिता ये नई एक गोपी कहाँ से लाए हो सखी,
बोली ये मंजूलाली सखी ने लाए हैं, मतलब श्री नरोत्तम दास ठाकुर को कौन लाए, कहते श्री लोकनाथ दास गोस्वामी उन्होंने लाए हैं। फिर उन्होंने जाकर कहीं राधा जी की सेवा को प्राप्त कर सकते डायरेक्ट, कोई भी जुगल सेवा को कोई डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ललिता विशाखा दी जत सखी आज्ञा करीब सेवा। इसलिए इन्होंने ललिता विशाखा लेकर के हमें राधा रानी कृष्ण सेवा में लगाएंगे। इसलिए जो लीला इस सबके सब यहीं पर हुई थी, ये जो कुंड को आप लोगों ने देखा इसका नाम संगम कुंड बा किशोरी कुंड भी कहते हैं। संगम मतलब जहाँ पर राधा कृष्ण की सुंदर सुंदर जहाँ लीला हुआ करता था, यहीं पर श्री लोकनाथ दास गोस्वामी जब पानी में डूबे जो राधा विनोद इसी कुंड से ही मिला। लेकिन ठाकुर निश्चय साक्षात बात करते थे, बड़े दिनों से इनका हाथ में ठाकुर जी आए, ठाकुर निश्चय बोलते हैं बोले लोकनाथ बड़े दिनों से पड़ा हुआ था, मेरे को बड़ी भूख लग रहा है, बड़े सुंदर सुंदर साग सब्जी बनाए, रोटी सब्जी जब खाने के लिए दिया ना, बोले बगैर चटनी से स्वाद आता है, तुमने तो चाटनी ही बनाया। फिर उन्होंने चाटनी बनाई इमली पत्ते की, जब उन्होंने खिलाए बोले बड़े दिन से सोया नहीं, थोड़ी सी बिस्तरा की व्यवस्था कर दो, फूल की सज्जा लगाई, जब सुलाए बोले नींद नहीं आ रही है, गर्मी आ रही है, थोड़ा हवा करो मेरे को, तब उन्होंने हवा किया, बोले भैया पैर भी दर्द कर रहा था पैर भी तो दबा दो, तब उन्होंने ठाकुर को पैर दबाए ठाकुर जी को। इसलिए हम एक भजन है ना, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले श्री सबरी जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तुम नचा। ठाकुर सब कुछ करते हैं, बोले किसके लिए करते हैं, भक्त के लिए करते हैं, ऐसे भक्त तो बनो तब तो ठाकुर हमारे लिए सब कुछ काम करेंगे। इसलिए यहीं से उन्होंने ठाकुर को प्राप्त किया था। अभी ये ठाकुर किसी तरह से जयपुर में विद्यमान है, और यहीं पर आस पास में अभी हम लोग एक स्थान पर गए थे आप लोग यहाँ आने से पहले, जिसका नाम था आज नव, वहीं पर कृष्ण ने जब मीठी मीठी बंसुरी ध्वनि बजाई, ब्रज गोपियां राधा रानी को श्रृंगार कर रही थी, सारे श्रृंगार तो हो चुकी थी, केवल उनको काजल लगाना बाकी थी। इतने में राधा रानी भागते भागते आई, आई तो कृष्ण ने देखा इनके तो सारे श्रृंगार ठीक है लेकिन केवल काजल लगाना बाकी है। फिर राधा रानी कृष्ण स्वयं राधा रानी को उन्होंने काजल लगाए थे, और काजल लगा करके वहां पर अभी भी एक पत्थर है, वो पत्थर के ऊपर में अपना अंगुल को उन्होंने घिस दिया, अभी भी वो शिला का नाम आज नौक शिला, अभी भी वो शिला को घिसो ना वहां से अभी भी आंजन काजल निकलता है। देखो हमने उसको घिस करके आपको दिखाने के लिए ये कागज में लेकर के आया हूँ, इसलिए उसको अपने आप, इसलिए उसका नाम आज नौक शिला है। और वहीं पर चित्रा सखी की वहीं पर गांव है, ये पास में एक गांव है जिसका नाम है नरी समरी। नरी समरी नाम क्यों पड़ा, कारण है कभी राधा रानी ने मान की तो कृष्ण बहुत कोशिश की मनाने के लिए, लेकिन राधा रानी के मान नहीं उतर रही थी। इतने में कृष्ण स्वयं उन्होंने श्यामा सखी के रूप उन्होंने धारण किया था, बड़ी सुंदर गंधर्व का रूप धारण करते हुए उन्होंने राग रागिणी उन्होंने ऐसे उन्होंने राग को गाए जिसको सुन करके राधा जी का हृदय द्रवीभूत हो गई। राधा रानी बोले ललिते इतने सुंदर राग से कौन गा रहे हैं, बोले कोई एक गंधर्वणी बड़ी सुंदर स्त्री आई है, बोले उसको ले करके आओ। जब ले करके आए बोले तुमको क्या आता है, बोले मैं अगर किसको श्रृंगार कर दू प्यार दबा दू किसकी अगर मैं श्रृंगार कर दू तो उसके हृदय के सारे व्यथा दूर हो जाता है। जहां पर श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी को श्रृंगार की थी, इसलिए वो गांव का नाम नरी श्यामरी, वो गांव का नाम हरि नाम भी है। कृष्ण जब ये ब्रज छोड़ कर गए, ब्रज गोपियां तो रथ को नीचे लेट गई, बोले हमारे प्राण को लेकर के जाओ। कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूं, कल कंस को उधार करके मैं परसों आ जाऊंगा। इसलिए एक गांव का नाम भी सी परसु, इसलिए। और जो थोड़ी दूर कृष्ण गए ना उस गांव का नाम था बिजवारी। बिजवारी मतलब
गोपियों को तो किसी तरह से कृष्ण समझाए, अभी सिर्फ राधा रानी को कैसे समझाए। वहां पर राधा रानी रास्ता में लेट हुई थी और बिजली जैसे शरीर से तेज निकल रही थी, इसलिए वो गांव का नाम पड़ गया बिजवारी। तब उन्हें राधा रानी को बहुत कुछ समझाते हुए बोले, कोई चिंता मत करो, मैं परसों ही वापस आ जाऊंगा, परसों ही वापस आ जाऊंगा। इसलिए गोपियों ने तो ये सोच रहे थे श्याम सुंदर साथ जाएंगे नहीं, लेकिन जब धीरे 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 रथ भी उजाला हो गया, धीरे धीरे जो धूल भी धीरे 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 उजाला हो गया, जहां पर हा कृष्ण करते करते बोले, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, कृष्ण हे जा दब हे सखेती, गोविंद दामो दर माध। वहीं पर राधा रानी गोपियां बेहोश हो गई थी हरी हरी करते करते। ये गांव की हरी नाम है, उसको गांव को पास में उसका नाम छत्रवन। छत्रवन मतलब क्या, जहां पर स्वयं कृष्ण चंद्र जिस समय कृष्ण गिरिराज को धारण किए पूरा दुनिया में हला हो गया। ब्रज का राजा कौन है, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। अरे जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। पूरा ब्रज में प्रचार हो गया कृष्ण गिरिराज धारण करते हुए, ब्रजवासियों को रक्षा किया। ये खबर जब राधा रानी को पास में बोले, बोले क्या, दुनिया जानते हैं वृंदावनेश्वरी मैं हूँ, इसलिए वृंदावन में सबके सब किसका नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं क्या, किसका का नाम लेते हैं, जोर से बोलो, इसलिए वृंदावन में सब राधा रानी कहते हैं, कोई नहीं कहते कृष्ण राजा, कोई कहते हैं राधा रानी। बोले ब्रज का राजा रानी मैं हूँ, कृष्ण कब से राजा बन गए, इतने में राधा रानी, इसलिए गांव का नाम उमराव, उमराव मतलब श्रेष्ठ। राधा रानी आकर जहां पर सिंहासन में बैठी गई और ललिता बिसा किसको मंत्री किसको कटवाल अलग अलग बना दिया, किसने छत्र धारण की, किसने चामर व्यंजन की, किसने तांबुल दी। राधा रानी बैठी करके उमराव गांव में श्रेष्ठ बन करके बोले, जाओ ये सखाओं को कृष्ण को बंदी बना करके मेरे पास मिलाओ, राजरानी मैं ये राजा बन रहे हैं। सबके सब गोपियां जा करके ना कृष्ण को सखाओं को मधुमंगल को, सबसे पहले तो मधुमंगल लड्डू खाने वाले उसको पकड़ लिया, बोले बंदी बनाए चलो हमारी रानी को पास में। बोले भैया मैं कुछ नहीं जाता, हमारे तक लीडर कृष्ण है, कृष्ण को भी बंदी बनाए। बोले कैसे, बोले प्रेम से फूल की माला से बंदी बनाए। और कृष्ण को लेकर के राधा रानी को पास में आए, बोले राधा रानी के चरण में माफी मांगो, हमारे देश का रानी राजा राधा रानी कृष्ण नहीं। इतने में कृष्ण ने आकर के माफी मांगे और राधा कृष्ण दोनों को उन्होंने सिंहासन में बैठाए। कृष्ण स्वयं राधा रानी के सर के ऊपर छत्री धारण करते हुए पूरा ब्रज मंडल में उन्होंने घोषित की, आज से ब्रज का रानी कौन है, श्री राधा रानी। इसलिए ये आसपास में बहुत लीला स्थली, हम जहां पर आए ना ये कोई साधारण स्थली, साधारण लोग वृंदावन में आते हैं क्या करते हैं, बोले वृंदावन दर्शन, बोले क्या किया, बोले बांके बिहारी देखा टिकिया खाया और बढ़िया वहां पर लस्सी मिलता है, बस गोलगप्पे खाई वहीं से चले गए। लेकिन जो असली जो लीला स्थली है ना, यही असली सोनार ताल गाछ देख लिया, और ताल फल तो पहला होना उघन देखे ए जने, इसलिए ये असली लीला स्थली यही, जहाँ पर कृष्ण चारी तरफ में बड़े मधुर से मधुर लीला की। हम गुरु जी के अनुगत्य में यहाँ पर आए, यहाँ पर प्रणाम करे और प्रार्थना करिए ब्रज रज से, क्योंकि यहाँ के एक धूल भी हमारे हृदय की समस्त इच्छाओं को ये पूरी कर सकती हैं। इसी यहाँ का धूल हमें एक दिन गुरु जी के अनुगत्य में और महाप्रभु की धारा में, प्रभुपाद की धारा में हमें एक दिन जुगल सरकार की हमें सेवा प्राप्त हो। यही बोल करके अपना वक्तव्य को यही समाप्त करता हूँ। कृपा सिंधु पावरी भो वैष्णव।